के पैराडाइज। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का एरर अगर आप फेस कर रहे हैं कि PHP इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो हमें चलना है सर्च बार में, हम टाइप करेंगे PNV। देखिए आगे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट एंड वेरिएबल, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लिखा रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में एक यूज़र वेरिएबल फॉर विंडो 10 लिखा हुआ है एंड सिस्टम वेरिएबल लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, सिस्टम वेरिएबल बनाना है। ओके, हम करेंगे क्या, पाथ पर क्लिक करेंगे एंड देन एडिट पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक न्यू पर क्लिक करना है क्योंकि हम एक नया पाथ यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, तो इस पाथ को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा सी पे, जहाँ पर हमारा जैम्प है, चाहे वो किसी फोल्डर में हो सकता है, कि मेरा जैम्प सी फोल्डर में है और मैं जाऊँगा ये पेज पे। ये जो आपको पाथ दिख रहा है ना, इस पाथ को आपको ऐसा कॉपी करना है। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया और इसे हम कर देंगे ओके। फिर ओके कर देंगे और फिर जा कर के हम एक बार और PNV लॉन्च करते हैं, देखते हैं क्या ये एरर आती। देखिए ये मेरा PHP का वर्जन बता दिया, PHP 7.41 है, पर इसके पहले ये एरर आ रही थी। तो इस तरह हम सिस्टम को जो एनवायरनमेंट वेरिएबल इस तरह सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।